कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं भगवान के अवतार राजा ऋषभ देव जी द्वारा अपने पुत्रों को दिए गए उपदेशों पर आधारित विशिष्ट कार्यक्रम। बहुत ही ज्यादा सुंदर उपदेश हैं महाराज ऋषभ देव के। इन उपदेशों को सुनकर के लगता है कि वो एक चिंतित पिता हैं। वो चाहते हैं कि उनके जितने भी पुत्र हैं और जो भी उस उपदेश को सुन रहे हैं वो सभी भगवत प्राप्ति करें, अपने जीवन को धन्य करें, वो भगवान रूपी परमानंद को प्राप्त करें। और चूंकि भगवान है वो, इसलिए ये जानते हैं कि बिना भगवत प्राप्ति के मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रह सकता। उसे हर प्रकार की आधी व्याधि और हर प्रकार का डर हमेशा सताता ही रहेगा। अगर पराशांति पाना है तो पराशांति यानी कि परम शांति है भगवान के श्री चरणों में। भगवान के श्री चरणों में जब हम अपने आप को पूर्णतया समर्पित कर देते हैं तो हमारे साथ जो कुछ भी होता है उसे भगवान की इच्छा मान करके अगर हम चलते चले जाते हैं तो वही परम शांति पाने का उपाय होता है, है ना? वस्तुतः भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा देखना। तो बहुत सुंदर उपदेश दे रहे हैं यहाँ पर महाराज ऋषभ देव अपने समस्त पुत्रों को श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंध के पंचम अध्याय के पंचम श्लोक में कह रहे हैं, पराभव स्तावद बोध जातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्वम् यावत् क्रियास्तावत् दिदं मनोवे कर्मात्मकं येन शरीर बंधः। कह रहे हैं कि जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती तब तक उसे अज्ञान जन्य कष्ट भोगने पड़ते हैं और उसकी पराजय होती रहती है। कर्म का फल पाप और पुण्य कुछ भी हो सकता है। यदि मनुष्य किसी कर्म में व्यस्त रहता है तो उसका मन सकाम कर्म में रंगा हुआ कहा जाता है। जब तक मन अशुद्ध रहता है चेतना अस्पष्ट रहती है और जब तक मनुष्य सकाम कर्मों में लगा रहता है तब तक उसे देह धारण करनी पड़ती है। देखिए, महाराज ऋषभ देव ने सीधी सी एक बात बोल दी है, एक परीक्षा बोल दी है, एक पैरामीटर बोल दिया है खुद को मापने का, और वो ये है कि क्या हमें अपने बारे में जिज्ञासा होती है? क्या हमें ये जिज्ञासा होती है, क्या हमारे अंदर ये प्रश्न उठता है कि मैं देह हूं या फिर कोई और हूं? क्या मैं शरीर हूं या शरीर से अलग कोई और अस्तित्व है मेरा? कौन हूं मैं? तो जब तक आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती किसी भी व्यक्ति में तो वो चाहे कितनी भी पढ़ाई लिखाई क्यों ना कर ले, सब फिजूल है, बेकार है, है ना? क्योंकि अगर हम पेट भरेंगे तो इंद्रियां और देह स्वस्थ रहेगा, और अगर देह स्वस्थ रहेगा और उस देह से हम पाप करते चले जाएंगे और उस देह को ही स्व और मैं मानते चले जाएंगे कि ये मैं हूं, तो भूल कर बैठेंगे, गलती कर बैठेंगे और फंसते चले जाएंगे देह के जालों में। इस देह के द्वारा ना जाने कितनी इच्छाओं को जन्म देंगे, उन्हें पूरा करने का प्रयास करेंगे, विफल हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे, पाप करेंगे, पुण्य करेंगे, कर्म करेंगे, बंधन है सबके सब, अपने लिए और बंधन तैयार कर लेंगे, है ना? तो सोचिए, आज हम जो कुछ पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, उससे हम अपने लिए बंधन तैयार कर रहे हैं। मुक्ति का रास्ता नहीं है ये, बंधन का रास्ता है, है ना? देखिए, विद्या का जो वास्तविक तात्पर्य है वो भक्ति और ज्ञान की प्राप्ति में है। अगर हमारी पढ़ाई से हम भगवान की तरफ नहीं मुड़े
है ना, और हम दुनिया की तरफ मुड़ गए, संसार की तरफ मुड़ गए, इसका मतलब यह है कि हमने इतने साल बेकार कर दिए। क्या ये मैं कह रही हूं? नहीं, हमारे शास्त्र कह रहे हैं। जब हमारे श्रीमन महाप्रभु ने रामानंद राय जी से पूछा कि ये बताओ विद्या क्या है, तो वो ये कह सकते थे विद्या है मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस और भी बहुत कुछ। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा श्री कृष्ण भक्ति बिना विद्या नाही आर, यानी कि श्री कृष्ण भक्ति के बगैर विद्या का कोई स्वरूप नहीं है। अगर श्री कृष्ण भक्ति नहीं मिलती पढ़ाई लिखाई करने से, तो हमने चाहे 15 साल पढ़ाई की हो, चाहे 30 साल पढ़ाई की हो, वो बेकार हो गया। सा विद्या या विमुक्तये श्रीमद् भागवतम कहती हैं। विद्या क्या है? विद्या वो है जो हमें मुक्त कर दे। बार बार जो शरीर धारण करना पड़ता है, गर्भवास का दुख झेलना पड़ता है, बार बार बीमारियों का दुख झेलना पड़ता है, अपनों की मृत्यु का दुख झेलना पड़ता है, 3 ताप झेलने पड़ते हैं, भूख प्यास और ना जाने कितना कुछ झेलना पड़ता है, बड़े ही प्रहार झेलने पड़ते हैं, तो इन सब से हमेशा के लिए मुक्ति, जो विद्या मुक्ति की राह पर ले जाए उसे ही कहेंगे असली विद्या, असली पढ़ाई। और कोई व्यक्ति मुक्ति की राह पर चलेगा, यानी भगवान को पाने की राह पर चलेगा, तो सबसे पहले उसे ये जानने की जरूरत है कि वो खुद कौन है। आत्म तत्व, आत्म तत्व की जिज्ञासा कि मैं कौन हूं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करके इस आत्म तत्व की तरफ नहीं मुड़ता है, तो सीधी सी बात है तब वो सिर्फ श्रम कर रहा है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ परिश्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, कड़ी मेहनत, जिसका कोई फायदा नहीं है, है ना। और अगर कोई पढ़ाई लिखाई करके अपने आप को बहुत गर्वित महसूस करता है कि मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई की, मैं बाहर जाकर के पढ़ के आया, मैं विदेशों से डिग्री कमा के आया, और दूसरों का अपमान करता है, तो बोला गया विद्या पढ़ी करते फिरे औरन को अपमान, नारायण विद्या नहीं ताही अविद्या जान। अगर भगवान से संबंधित विद्या नहीं है और आपकी विद्या, हमारी विद्या लोगों का अपमान कराती है हमसे, तो ये क्या है? ये अविद्या है। अविद्या, अविद्या उसे कहते हैं जिसके द्वारा शरीर में मैं का भाव जागृत हो और जो झूठ है उसे हम सत्य मान लें। जो इतना टेम्प्ररी है कि वो झूठ लगता है, ये माया, ये संसार, ये सांसारिक रिश्ते, ये कमाना धमाना, खाना पीना, लोगों से हा हा ही करना, ये सब क्या है? कमाना बुरी बात नहीं है, अगर कमाई को भगवान और साधुओं की सेवा में लगाया जाए, भक्तों की सेवा में लगाया जाए, तो कमाना बहुत अच्छी चीज है। ये कमाई हमें आगे ले जाएगी, भगवान की तरफ मोड़ देगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो बहुत ज्यादा कष्ट है, है ना। तो इसीलिए हमारे प्यारे ऋषभ देव जी ने कहा कि अगर जीव को आत्म जिज्ञासा नहीं होती है तो उसे अज्ञान से जनित कष्ट भोगने पड़ते हैं। अज्ञान से जनित, देखिए, जिस इंसान को आत्म जिज्ञासा हो जाती है, आत्म तत्व जानना चाहता है, ब्रह्म जिज्ञासा हो जाती है, भगवत तत्व जानना चाहता है, वो बहुत किस्मत वाला है। भगवान जो कि उसके हृदय में ही परमात्मा के रूप में बैठे हैं, जब वो देखते हैं उसकी उस उत्कंठा को, तब वो ऐसा प्रबंध कर देते हैं ताकि उसकी ये जिज्ञासा जो है उसका उत्तर मिल सके और वो भजन और भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ता रहे, आगे बढ़ता रहे, भगवत प्राप्ति कर सके। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, जो मेरी तरफ आते हैं मैं उन्हें बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में ये बात कही है, है ना। लेकिन अगर
कोई व्यक्ति ऐसा कर्म करता है जो उसे और बांध दे, संसार में फंसता है, संसार चक्र में फंसता है, संसार को भोगना चाहता है, विषयों को भोगना चाहता है, तो उसे अनेक अनेक कष्ट भी भोगने होंगे। इन तुच्छ सुखों को पाने में बहुत श्रम है, जरूरी नहीं सब पा जाएं, और अगर पा भी गए तो उसमें बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट, बहुत दुख भोगने ही पड़ेंगे, और उसकी बारंबार हार होती है, पराजय होती रहती है। और फिर क्या होगा, क्योंकि कर्म किया है तो कर्म का फल तो मिलेगा ही। कर्म का फल क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, पाप भी और पुण्य भी, है ना। पाप अगर किया है तो पाप का फल भोगने के लिए उसको जन्म लेना पड़ेगा, दुख झेलने पड़ेंगे, कष्ट झेलेगा। पुण्य अगर किया है तो भी जन्म लेना पड़ेगा, फिर से भगवान की तरफ नहीं मुड़ेगा तो फिर से 84 लाख योनियों का सफर करना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए यहां ऋषभदेव जी कहते हैं कि अगर मनुष्य किसी कर्म में व्यस्त रहता है तो ये मान लीजिए कि उसका मन सकाम कर्मों में रंगा हुआ है। इसका मतलब यह है कि मन अशुद्ध है, है ना। हम लोग अक्सर सुनते हैं, लोग कहते हैं भाई कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, कर्म किए जा, कर्म किए जा। और यहां क्या बोला गया कि अगर कोई व्यक्ति कर्म करता रहता है तो यानी वो सकाम ही है, कर्म कर रहा है। क्यों कर रहा है, ताकि उससे उसे कोई लाभ हो, वो सुख उठा सके, वो जिन्हें अपना समझता है, जिन शरीरों को अपना समझता है, क्योंकि आत्मा को तो वो जानता नहीं, तो शरीरों को ही जानता है, और वो सोचता है कि इन शरीरों को अगर मैं सुख दे दूंगा तो मैं एक सफल व्यक्ति कहलाऊंगा, लोग मुझे सम्मान देंगे। तो हमारे ऋषभदेव जी कह रहे हैं कि वो चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले, अगर उसमें आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं जगी तो उसके सारे कर्म बेकार हैं, उसे बांधने वाले हैं, है ना। और जब तक मन सकाम कर्मों में रंगा रहेगा, जब तक व्यक्ति अपने कर्मों को करते हुए उसके फल को भोगने की इच्छा करता रहेगा, जब तक सुख पाने के लिए उसका मन दौड़ता रहेगा, तो ऋषभदेव जी कह रहे हैं तब तक मन अशुद्ध रहेगा, चेतना अस्पष्ट रहेगी। चेतना अस्पष्ट का मतलब क्या हुआ, अस्पष्ट चेतना का मतलब ये हुआ कि हम भगवान के अंश हैं, और अंश होकर यदि अंशी के लिए हृदय में प्रेम नहीं उमड़ा, और ऐसे लोगों के लिए हृदय में प्रेम उमड़ा जिनसे हमारा वाकई कोई रिश्ता नहीं है, तो ये समझ लीजिएगा कि चेतना अस्पष्ट है। हमें चेतन होना चाहिए, तो चेतना मुड़नी चाहिए भगवान की तरफ, है ना। वो जो समस्त चेतन के असल चेतनादायक हैं उनकी तरफ, लेकिन वो तो मुड़ती नहीं है, मुड़ेगी कैसे। हमारे आचार्य कहते हैं तेहि सत्संग निज अंग श्री रंग भव भंग कारण शरण शोक हारी, ये तू भवदंग्री पल्लव समाशित सदा भक्तिरत विगत संशय मुरारी। यानी कि अगर सत्संग मिल गया, है ना, भगवान से भक्त मांगते हैं कि प्रभु मुझे सत्संग दे दीजिए, क्योंकि आपकी प्राप्ति बिना सत्संग के नहीं हो सकती, और बिना सत्संग के संसार के आवागमन का नाश भी नहीं हो सकता। ये जो आपका सत्संग है, आपके भक्त जब आपकी कथा कहते हैं तो उस समय शरण में आए हुए जीवों का शोक वो सत्संग हर लेता है। इसलिए प्रभु जो लोग सदा आपके चरण कमल के आश्रित रहते हैं और आपकी भक्ति में लगे रहते हैं, उनका ही अविद्या जनित संदेह नष्ट हो पाता है। यानी ये जो आत्म तत्व की जिज्ञासा तभी होती है जब कोई व्यक्ति भगवान के भक्तों का संग करे। भगवान के भक्तों का संग जब तक नहीं मिलता है तब तक आत्म तत्व की जिज्ञासा कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, है ना। तब तक सिर्फ हम विषयी बने रहेंगे, विषय को भोगने का चिंतन करेंगे, अपना भोग बढ़ाने का चिंतन करेंगे और फंसते चले जाएंगे। ये बड़े दुख की बात है। और ऋषभदेव जी
इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और हमें बहुत ही कृपा पूर्वक वो बता रहे हैं इन उपदेशों के जरिए कि कैसे हमें भगवान की तरफ मुड़ना है और जो पूर्ण ब्रह्म आनंद है, पूर्ण भगवत आनंद है, उसको पाना है। और इसी के लिए हमें ये देह मिली है, याद रखिए।